कासगंज में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। फर्जी सीएम के बाद एक फर्जी डीएम सहित तीन ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो असलहा रखने के शौकीनों में से मात्र 30,000 रुपए लेकर शस्त्र लाइसेंस बनाते थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों के कब्जे से 7 पुराने 5 नए शस्त्र लाइसेंसों की बुके, फर्जी मोहरे स्टैंप, एक दुनादी बंदूक, रिवॉल्वर के अलावा भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। सर, आज जो खुलासा किया गया है, क्या कुछ खुलासा किया गया है? देखिए, अभी विगत दिनों आपने देखा था एक फर्जी सीएम यहाँ से गिरफ्तार हुए थे जो सीएम के आदेश दिया करते थे। आपके सामने ये फर्जी डीएम खड़े हैं। ये कोई भी आदेश डीएम का कर देते हैं, कोई भी सलाह बनाना हो, राइफल हो, रिवॉल्वर हो, रेनुअल हो, ऑल इंडिया हो, सब करते रहते हैं ये। तो इनके द्वारा बनाए गए लाइसेंसों में से 3 लाइसेंसों पर जो असले खरीदे थे बजरंग नाम से, वो मैंने रिकवर किए हैं और 10 के इन्होंने नाम बताए हैं। बाकी डिटेल इनका इनके झोले में रखा हुआ था जो गायब कर दिया इन्होंने। और इनके साथी बराती कौन है, सबको इकट्ठा करके कम से कम सैकड़ों असले इन्होंने बनाए हैं जो बाय जनपदों में, बाय स्टेट्स में जाके अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें एक एसआईटी गठित करके इसकी पूरी निगरानी करेंगे।